हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं जयपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर में, जिसे चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे और मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया। तो हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है हमारा, वो भी दिखाएंगे आपको, कितना बढ़िया मंदिर है वो भी बताएंगे आपको। तो चलते हैं गाइस। सो गाइस, फाइनली हम हमारी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और अब लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि हम गाड़ी पे पूरा कर रहे हैं। और अगर आप आओ तो आप पैदल भी पूरा कर सकते हो दूसरे वाले रास्ते से। आगे चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हो अभी हालत ऐसी हो रही है हमारी, गाड़ी हमारी आधे रास्ते खड़ी हो गई है और एक गाड़ी वहाँ पर आगे चल गई है। तो इस गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया, ख़त्म गाड़ी है तब भी लेके आ गया है। तो पता नहीं गाइस हमारी गाड़ी में क्या हो चुका है, वो रेस नहीं खींच रही, तो शायद अब हमारे को पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं, हम अब पैदल ट्रैक करते हैं। Strong like a tree, roots where I stand. Oh, I've been running from the law. तो हमारे साथ है नत्थू खाजी, देख सकते हैं आप। तो गाइस बहुत सुंदर मंदिर है, जैन मंदिर है, चूलगिरी के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पे। सो गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और सूरज उग चुका है और गर्मी बढ़ चुकी है। तो गाइस अभी भी हमारे को 650 सीढ़ियाँ चढ़नी है, हमने 200-250 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है। तो चलते हैं हम आगे और चढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। 2000 years later. तो गाइस बड़ी ही देर के बाद हम हमारी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस अब ज़्यादा दूर है नहीं, बस बिल्कुल पास है, 10-1 सीढ़ियाँ की दूरी है बस हमारे से। तो गाइस अभी आपका नज़ारा देखना आप, कितना बढ़िया है यहाँ पर, सूरज एक नंबर लग रहा है उगता हुआ यहाँ पे से। तो गाइस यहाँ पे 2 गेट है, तो हम इस वाले गेट से जाएंगे, छोटे वाले से, वाला गेट बंद है। और अभी गाइस मंदिर भी हो सकता है तो बंद मिल सकता है हमारे को, मंदिर अभी खुला नहीं होगा क्योंकि 10 बजे मंदिर खुलता है, तो अभी 10 नहीं बजे हैं। तो गाइस मंदिर अभी बंद है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Hope they won't shoot me down soon. They seem gone to sleepless nights. Try to catch me howling at the moon.